हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल इजी किचन हैक्स में। तो आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक मेरे चैनल इजी किचन हैक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है 2 कप सोयाबीन, और यहाँ पे हम डाल देंगे पानी, और इस सोयाबीन को हम इस पानी में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सोख होने देंगे। ये देखिए हमारे सोया चंक्स जो है एकदम अच्छे से फूल गए हैं। अब इसे हम इस तरीके से स्क्वीज़ करेंगे, पूरा का पूरा पानी इसका निचोड़ेंगे और फिर हम इसे ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। अब इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। इसी तरीके से हमें सारे के सारे सोया चंक्स को ग्राइंड कर लेना है। इसमें पानी नहीं डालना है और थोड़ा सा दरदरा सा ही हमें इसे पीसना है। ये देखिए ऐसे सोयाबीन पराठा बनाने के लिए एक ग्राइंडर में हम ले लेंगे थोड़ा सा अदरक, ये 1.5 इंच तक अदरक है, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्च, तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इसे ग्राइंड कर लेना है और इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है ग्राइंड करते समय। अब यहाँ पे हम एक पैन गरम करेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल थोड़ा सा गरम होते ही हमने ये जो मसाला पीसा है अभी अभी, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, ये हम डाल देंगे इसमें। और इसे हमें लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भूनना है ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन इसमें से चला जाए। ऐसे ही थोड़ा सा भून जाए यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है तो आप लाल मिर्च पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। मसालों को हमें जलने नहीं देना है तो इसलिए थोड़ी देर के लिए ही हम इसे भून लेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सोयाबीन, तो अब इसे डाल देते हैं। ये 2 कप सोयाबीन है, साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। जब हम किसी भी चीज़ को भूनते हैं तो उसमें से एक अच्छा सा टेस्ट आता है, सोंधापन आता है, इसलिए हम इसे लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब आखिरी में हम यहाँ पे डालेंगे धनिया की पत्ती, इसे फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इस मिक्सर को हम ठंडा होने देते हैं, तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप गेहूं का आटा, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पे मैंने ले ली है 1/2 चम्मच अजवाइन, अजवाइन को हम इस तरीके से क्रश करते हुए इसमें डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा गूंथ लेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 से 2 चम्मच घी का मोयम भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा आटा गूंथ करके तैयार है, इसे भी हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। चार ठंडा हो चुका है, 1/2 कप तक चीज़ ग्रेट कर रही हूँ। अगर आपको चीज़ पसंद हो तो आप चीज़ ग्रेट करिए, नहीं तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आलू भी मिक्स कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये हमारा मिक्सर बन करके तैयार है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे थोड़ा सा आटा और एक बार इसे अच्छे से मसल लेंगे, और इस आटे के हम थोड़े से बड़े बड़े बॉल्स कट करेंगे, क्योंकि हमें पराठा बनाना है तो इसलिए थोड़े ज़्यादा आटे का इस्तेमाल करेंगे। सूखे आटे में डिप करेंगे और इसे हम थोड़ा सा हाथ से बड़ा कर लेंगे, एक पूरी की साइज़ का कर लेंगे। आप चाहें तो बेलन से बेल कर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम रखेंगे स्टफिंग, ये मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें स्टफिंग रख दी है। स्टफिंग को अंदर की तरफ दबाते हुए हम इसे बंद करेंगे। और ये देखिए ये तैयार है बेलने के लिए। सूखे आटे में डिप करेंगे और इसे हम हाथ से ही पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और अब इसे हम बेल लेंगे।
हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है इसे, क्योंकि ये पराठा है। ये हमारा पराठा बेल करके तैयार है, अब इसे हमें सेकना है। यहाँ पे मैंने एक तवा गरम होने के लिए रख दिया है और इसके ऊपर डालेंगे पराठा। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। एक तरफ से जैसे ही थोड़ा सा सिक जाए हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। ये नीचे से भी थोड़ा सा सिक जाए हम इसे पलट लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ घी। आप तेल या फिर बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से घी लगाने के बाद इसे पलट लेंगे। दूसरी तरफ से भी हम इस पर घी लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप कि कितने अच्छे से फूला है हमारा पराठा। और अब इसे अलट्टे पलट्टे हुए हम अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छा सिक करके तैयार हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी सारे पराठे बना करके तैयार करेंगे। आज मैं इसे धनिया से नहीं, चीज़ से गार्निश कर रही हूँ। तो ये देखिए, हम ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर देते हैं इसके ऊपर। हमारा हेल्दी फुल ऑफ प्रोटीन सोया चीज़ पराठा बन करके तैयार है। बहुत ही अलग रेसिपी है, एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।